हेलो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे कोकोनट स्लाइस। कोकोनट स्लाइस के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैं आपको बता देती हूँ। पहले ब्रेड चाहिए हमें, जो नॉर्मल हम ब्रेड बटर खाते हैं वही ब्रेड चाहिए। इसमें ब्रेड में कोई भी टाइप नहीं है कि ब्राउन ब्रेड चाहिए कि कोई चरी वाली ब्रेड चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल ब्रेड चाहिए। एंड सेकेंड, हमें ऑयल चाहिए, रिफाइंड ऑयल, जो हम ऑयल यूज़ करते हैं सब्जी वगैरह को फ्राई करने के लिए, तलने के लिए। और हमें इसमें चाहिए कोकोनट। कोकोनट इसमें मेन है, क्योंकि ये तभी कोकोनट स्लाइस बनेगा। एंड इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है मिल्क मेड। तो हम ये कैसे बनाएंगे, ये आपको वीडियो में एकदम प्रॉपर तरीके से शो हो रहा है। पहले हमें ब्रेड को छोटे छोटे स्लाइस में काट लेना है, जैसे इसमें वीडियो में मैंने स्क्वायर शेप में काट दिया है। इसमें आपकी शेप आपको अपनी मर्जी से ही देनी है। आप इसमें कोई भी शेप के लिए ब्रेड काट सकते हैं, जैसे हार्ट शेप हो गया बच्चों को, कोई एनिमल जैसे फिश की शेप में हो गया, कोई फ्रूट हो गया, मैंगो, एप्पल, या किसी भी शेप में आप ब्रेड को काट सकते हैं। फिर हम ब्रेड को छोटे छोटे स्लाइस में काट लेंगे। काटने के बाद हमें कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डालना है, उसको हमें हल्की आंच पर गर्म होने के लिए रख देना है। और उससे पहले हमें जो कोकोनट है, हमें कोकोनट को अच्छे से घिस लेना है, कद्दूकस हो आपके या फिर आप ग्राइंडर में भी इसको ना को ये कोकोनट को आप इसको कस सकते हैं। एकदम पाउडर होता है, उस तरीके से आपको बनाना है। बनाने के बाद आपको किसी एक बर्तन में स्टोर करके रख लेना है। रखने के बाद आपको तेल को गर्म होने देना है। गर्म होने के बाद आप ब्रेड को तेल के अंदर फ्राई कर लेंगे। ये ऐसे फ्राई करनी है हल्की आंच पे। अगर आप तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो ब्रेड सारी की सारी जल जाएगी और एकदम ब्लैक हो जाएगी, उसका कुछ भी टेस्ट नहीं आएगा। तो आपको ये हल्की आंच पे ऐसे फ्राई करना है, या वीडियो में देख लीजिए कि कैसे फ्राई हो रही है और इनका ब्रेड का फ्राई होने के बाद कैसा कलर आता है। एकदम ब्राउन ही कलर आता है, लेकिन ये लिटरली खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये आप बच्चों को आराम से खिला सकते हैं, बच्चों को बहुत ही डिलीशियस लगते हैं, इनके इवन फेवरेट भी होते हैं बच्चों को। आप बच्चों को ये, और इसमें पौष्टिक भी होता है, कोकोनट होता है, मिल्क मेड, तो इसमें बहुत ही टेस्टी लगता है। साथ ही आपको मिल्क मेड की मैंने इसमें अलग से वीडियो भी डाल दी है, मिल्क मेड कौन सा होना चाहिए। नेस्ले का ही होना चाहिए मिल्क मेड, क्योंकि वही नेस्ले के ही ज़्यादा अच्छा रहता है और वो बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो मिल्क मेड वैसे मीठा होता है, इसमें ना ही आपको कुछ चीनी ऐड करनी है, ना ही आपको अलग से कोई बटर ऐड करना है। उसके बाद जब ये फ्राई हो जाएगी ब्रेड, तो फ्राई होने के बाद आप देखिए, ये आपको ऐसे फ्राई होने के बाद निकाल लेनी है। निकालने के बाद ये मिल्क मेड है, आप मिल्क मेड एक बार देख लीजिए, ऐसा मिल्क मेड होना चाहिए। ये है मिल्क मेड। आपको फिर ब्रेड जो फ्राई की है हमने, वो आप मिल्क मेड के अंदर ऐसे एकदम से अच्छे से लगा देंगे दोनों तरफ, बैक एंड फ्रंट साइड में। और ये है कोकोनट। कोकोनट ये ऐसा होना चाहिए, एकदम कद्दूकस। ये मैंने थोड़ा हल्का है, मोटा मैंने इसमें कस किया है, इसमें कद्दूकस में, तो इसलिए ये थोड़ा मोटा है, बरकर है। आप इससे पाउडर की तरह भी कस सकते हैं। कसने के बाद आपको नॉर्मली इसमें करने के बाद ये ऐसे शो होगा, ये देख सकते हैं आप। एंड सेकंड थिंग, कि आपको मैं एक विटामिन ई के कैप्सूल के बारे में बताऊंगी। जो विटामिन ई कैप्सूल हमारे सर्दियों में स्किन पे काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। इसको जैसे हाथ हमारे फट रहे होते हैं, रफ होते हैं, हम अपने हाथों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई ड्राई क्रीम पसंद है तो आप विटामिन ई के कैप्सूल उसमें ऐड करके अपने फेस पर लगा सकते हैं। ये हमारे फेस को मॉइस्चराइज करते हैं। एंड थैंक यू।